हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो रहेगा कि जो अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट अपने पास पेपर होता है मैकेनिक्स एंड ओसिलेशंस का, उस पेपर का पैटर्न अपने पास क्या रहेगा, उस पेपर के मार्किंग की स्कीम क्या रहेगी, वो अपने पास टाइमिंग कितना रखेगा। ओके, और जो अपने पास पेपर उसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो पेपर अपने पास कौन सा है, वो अपने पास है मैकेनिक्स एंड ओसिलेशंस का। ठीक है, देखिए तो पेपर अपने पास है मैकेनिक्स एंड ओसिलेशंस का। मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन, और ये अपने पास बीएससी सेम फर्स्ट का पेपर है। सेम फर्स्ट, ओके। अब देखिए, अब ये जो अपना पेपर है वो अपने पास रहता है 6 क्रेडिट का। ओके, तो ये अपना पेपर क्या होगा, 6 क्रेडिट का होगा। इसमें से 4 अपने पास होता है थ्योरी का क्रेडिट और 2 अपने पास होगा प्रैक्टिकल का। ओके, तो इसके अंदर अपने पास क्या होगा, 4 अपने पास होता है थ्योरी और 2 अपने पास क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो जो अपने पास ये थ्योरी का पार्ट है और ये अपने पास प्रैक्टिकल का है। ओके, थ्योरी अपनी रहती है 100 मार्क्स की। इसका मतलब ये है कि अपने पास एक क्रेडिट होता है 25 मार्क्स का। ओके, ईच क्रेडिट क्या होगा, वो अपने पास होता है 25 मार्क्स का। ठीक है, 1 क्रेडिट इक्वल 25 मार्क्स। देखिए, अब जो अपने पास ये 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, इसके अंदर अपना 80 मार्क्स का क्या होता है, पेपर का जो अपना रिटर्न पेपर होता है उसका मार्क्स होता है। ओके, तो 80 अपने पास क्या होगा, जो अपने पास रिटर्न होता है, रिटर्न का पेपर होता है फिजिक्स का, वो अपने पास होता है 80 मार्क्स का। और 20 जो मार्क्स होते हैं वो आपको कॉलेज वालों की तरफ से सेंड किए जाते हैं। ओके, और जो अपने पास ये 20 मार्क्स है ये डिपेंड करता है एक तो आपके अटेंडेंस के ऊपर, ओके, कि आप रेगुलर हो या नहीं हो, एक ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, और जो अपने पास सेशन के बीच में मिड टर्म होता है उसके मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिकली ये जो अपने पास 20 मार्क्स है, एक तो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और एक ये डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस पर। इन दो फैक्टर के ऊपर ये 20 मार्क्स डिपेंड करते हैं। ओके, अब देखिए आगे, और जो अपने पास ये 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स का क्या होता है, आपका पेपर होता है, और जो अपने पास ये प्रैक्टिकल है वो होता है अपने पास 50 मार्क्स का। इसके अंदर 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 10 मार्क्स आपको कॉलेज वालों की तरफ से भेजे जाएंगे। ओके, जो कि डिपेंड करते हैं आपकी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, अब देखिए, अब इसके अंदर आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। तो जो अपने पास थ्योरी का पेपर है, इसके अंदर ये अपने पास क्या है, रिटर्न का पेपर है, इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 32 मार्क्स। कितने चाहिए, 32 मार्क्स। और इसके अंदर आपको पास होने के लिए चाहिए 8 मार्क्स। ये अपने पास है पासिंग मार्क्स। ओके, इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 60 मार्क्स। इसमें चाहिए आपको 4 मार्क्स। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास पासिंग मार्क्स है। ओके, अब आगे देखिए,
अब बात करते हैं अपन पेपर की। जो अपने पास पेपर होगा 80 मार्क्स का, उसका अपने पास पैटर्न क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो बेसिकली अपने पास जो पेपर होता है रिटन का वो होता है 80 मार्क्स का। इसमें आपके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। एक तो क्या होगा, आपके पास दो पार्ट होंगे, एक तो अपने पास होता है पार्ट ए, एक अपने पास क्या होता है पार्ट बी होता है। अब जो अपने पास पार्ट ए है इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। इस तरह आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देन आफ्टर जो अपने पास पार्ट ए है वो आपका रहेगा 20 मार्क्स का। ओके, तो ये आपका रहेगा 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, और टोटल आपके रहेंगे 10 क्वेश्चंस। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन पार्ट बी की। ओके, ये जो अपने पास क्वेश्चंस है 10, ये आपके छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी अपने पास होता है 60 नंबर का, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपके चार क्वेश्चन होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें आपके क्या होंगे, चार क्वेश्चंस होंगे। ओके, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स। ओके, और ये अपने पास क्या रहेगा, जो आपके पास यूनिट फर्स्ट है उससे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, यहां पर क्या होगा, यूनिट फर्स्ट होगा, इसमें आपके दो क्वेश्चन रहेंगे, बट वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, इस तरह होंगे और में रहेंगे। मींस आपको एक क्वेश्चन करना है। जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, बट उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। ओके, यहाँ पर आपके और लगा हुआ रहेगा। सेम ये अपने पास होगा यूनिट सेकंड के लिए, इसमें भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है। सेम अपने पास इसका होगा यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। तो सभी में आपके क्या होंगे, दो क्वेश्चंस होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव में, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ओके, अब देखो आगे। अब ये अपने पास है पेपर का पैटर्न। ये जो अपने पास पेपर है वो अपने पास क्या रहता है, दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। जो पार्ट ए अपने पास है वो क्या रहता है, वो रहता है आपका 20 नंबर का। ओके, और जो पार्ट बी है वो आपके पास रहता है 60 मार्क्स का, और इस पेपर में आपको पास होने के लिए 32 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे। अब जो अपने पास ये पेपर है, इस पेपर का अपने पास सिलेबस क्या रहेगा उसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखो ये आपका पेपर का सिलेबस है। ओके, इसमें आपके क्या होती है, चार यूनिट होती है। ये आपके पास यूनिट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपके पास फोर्थ है, ठीक है। अब जो अपना मैकेनिक्स का बुक होता है, यांत्रिकी का जो आपके पास बुक होता है, उसके कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके पास है यूनिट फर्स्ट, इसमें जो बुक अपने पास है उसका चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंक्लूड है। ये अपने पास है फर्स्ट चैप्टर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये आपके पास है फर्स्ट चैप्टर, ये आपके पास सेकंड चैप्टर बुक का, कोरिलियस फोर्सेस। ओके, और ये आपके पास है थर्ड चैप्टर, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये आपके पास फोर्थ चैप्टर है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, ये आपके पास है यूनिट नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। इसमें आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होता है 5 चैप्टर, सेंटर ऑफ मास, और 6 चैप्टर अपने पास होता है रिजिड बॉडी। ओके, तो ये आपके पास हो गया सेकेंड यूनिट।
अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसमें एक तो होता है सेवंथ चैप्टर मोशन एंड द सेंट्रल फोर्सेस, और एक होता है आपके पास टेंथ चैप्टर डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन। ओके, इसमें अपन पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और आपके पास होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन। इसके बाद ये आपके पास है यूनिट नंबर 4, इसमें होता है 11th और 12th चैप्टर। ये आपके पास 11th चैप्टर है और ये 12th है, ये चैप्टर 7th और ये चैप्टर है 10th। ओके, तो ये सभी बुक के चैप्टर हैं। तो जो अपने पास यूनिट नंबर 1st है उसमें चैप्टर होता है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, और जो आपके पास 2nd यूनिट है इसमें चैप्टर है 5 और 6, और जो आपके पास 3rd यूनिट है उसमें चैप्टर होता है 7th एंड 10th, और जो आपके पास 4th यूनिट है उसमें चैप्टर है 11th और 12th। ओके, ये आपके पास चैप्टर है कपल ओसिलेशन, ये है ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेशन, ये आपके पास है डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशन, और ये अपने पास है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो इस तरह से आपका रहता है सिलेबस, जो पेपर का अपने पास सिलेबस है। ओके, तो जो अपने पास पेपर का पार्ट बी है उसमें आपके पास क्या होता है, इन सभी से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है। ओके, एंड जो अपने पास पार्ट ए है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो रहता है इन सभी यूनिट में से। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।